कराची से आपको बताएं कि कराची में एक्सपो सेंटर में तीसरे रोज भी स्टाफ की हड़ताल जारी है। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती काम नहीं करेंगे, ये कहना है मुलाजमीन का। आपको बताएं कि कराची के एक्सपो सेंटर में आज तीसरा रोज है, पीर के रोज से हड़ताल जारी थी। स्टाफ को 9 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसके बाद स्टाफ ने 7वीं बार इस हड़ताल का ऐलान किया और 3 दिन से वैक्सीनेशन का तमाम अमल एक्सपो सेंटर में बंद कर दिया गया है। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाह नहीं मिलती हम काम नहीं करेंगे, गुज़िश्ता साल से उजरत नहीं दी जा रही। आपको बताएं कराची एक्सपो सेंटर में तीसरे रोज भी स्टाफ की हड़ताल जारी है। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और ऐसे में एक्सपो सेंटर के स्टाफ ने हड़ताल की हुई है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से अब तक मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलती काम नहीं करेंगे, गुज़िश्ता साल से उजरत नहीं दी गई है। एक्सपो सेंटर इंतजामिया ने वैक्सीनेशन के लिए सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। कदर अस्पताल से 4 रुकनी वैक्सीनेटर स्टाफ तलब कर लिया गया है। इंचार्ज एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का कहना है कि आज वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी।